emphasized when? Particularly, we are going to emphasize on the ray diagram today. Please be attentive. Okay. Shabash, get ready. So, bache, first of all, I am picking up the sharp color such that things are ultra clear to you. So, bache, for ray diagram, the most important property you should know, one property of the light you should know, please write down ray diagrams. Ray diagram. Everybody, please write down. Most important property to draw this. Most important property needed to know for drawing for ray diagrams. For drawing ray diagram. You know what is that property? The name of that property is rectilinear propagation. Rectilinear propagation. Is there anybody in the class who can tell me what is rectilinear propagation? Anybody in the class? Let's see, A class wins or B class wins. Section A wins or section B. Anybody in the class who can tell me rectilinear propagation? If you don't know this, sorry, we will not be able to draw the river then ray diagram. Nobody is raising the hand. Okay, no problem. I am telling you, but rectilinear propagation says light ray, write down everybody, light ray always travels in straight line if it is moving in the same medium. Moving means propagation. Propagation means aage badhna. Everybody please write down. Light ray travels in same straight line. In same straight line, if it is moving in the same medium, इसका मतलब ये है बच्चे, your attention. मान लो जी आप सारी जगह पर हवा है और मेरे हाथ में पकड़ा हुआ एक मार्कर ray of light है और यहां जैसे ही मैं यहां से इसके source को on करूंगा, laser beam को on करूंगा, तो ये ray of light बिल्कुल straight जाती रहेगी. कहीं भी मुड़ेगी नहीं, हल्का सा भी बेंड नहीं होएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी. यस, और ये तब तक मुमकिन है जब तक यहां पर सारी एयर है. मान लो यहां जाते 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 यहां से पानी शुरू हो गया, मेरे हाथ के इस तरफ पानी है, तब ये एकदम से अपना रास्ता चेंज करेगी. जब तक कोई रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में जाएगी तब तक वो सीधी जाएगी. अगर मैं पानी के अंदर, पानी का बहुत बड़ा टब है, उसके अंदर लेजर बीम पहले डुबो दूं फिर ऑन करूं, पहले डुबो के पानी के अंदर फिर ऑन करूं, तो वो पानी में भी स्ट्रेट लाइन जाती रहेगी. जब तक पानी आता रहेगा तब तक वो स्ट्रेट लाइन जाती रहेगी, मुड़ेगी नहीं. इन द सेम मीडियम ऑफ सेम ऑप्टिकल डेंसिटी. ओके, तो कितने बच्चों को ये चीज समझ आ गई है? इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर राइट हैंड. अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड. कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको जिसका कोई भी हाथ ना खड़ा हो. यस, हैव यू अंडरस्टूड सो फार? बेटे जिसका कोई दोनों में से एक भी हाथ ना खड़ा हुआ वो बाहर जाएगा बच्चा. गुड, शाबाश. सो छोटी सी बात आपने पकड़ ली. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर.
सबसे पहले हम रे डायग्राम देखेंगे किसकी, हम रे डायग्राम देखेंगे बेटे, रे डायग्राम, राइट डाउन द हेडिंग, रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन प्रोसेस ऑन प्लेन मिरर, ऑन प्लेन मिरर, रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन प्रोसेस ऑन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्या मतलब है बेटे, बिल्कुल सपाट, बिल्कुल समतल मिरर, शीशा, आईना, आईना। तो मान लीजिए मैंने इस मिरर को स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल प्लेन मिरर को यहां पर लिटा दिया बच्चे, ओके, सो दिस इज योर प्लेन मिरर एंड दिस साइड इज पॉलिश्ड, यू नो दिस साइड इज पॉलिश्ड एंड द साइड अपोजिट टू द पॉलिश वन इज ऑलवेज शाइनिंग वन, सो यू कैन से अपर सरफेस इज शाइनिंग सरफेस, अपर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग वन, नोट डाउन। नाउ व्हाट टू डू, शाबाश बच्चे, मैं यहां से एक, यहां से सोर्स ऑफ लाइट ले लिया लेजर बीम का, जैसे मैं इस लेजर बीम से रे ऑफ लाइट थ्रो करूंगा तो वो पर्टिकुलरली एक स्पॉट को जाके टकराएगी। लेट्स सी दैट रे ऑफ डायग्राम इन येलो कलर, लाइक से दिस इज लाइक दिस, कैन एनी बॉडी टेल मी द नेम ऑफ दिस रे, आई आर, आई आर स्टैंड फॉर शाबाश, इंसिडेंट रे, एंड वेयर इट स्ट्राइक्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी, कैन एनी बॉडी टेल मी वट इज दिस पी, पी इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, फर्दर कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रे ऑफ लाइट मेकिंग सर्टन एंगल विद द प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ ग्लांस, एंगल ऑफ ग्लांस, यू कैन ऑल्सो कॉल इट ग्लांसिंग एंगल, हाँ याद है, ओके दैट इज वाई बिग सर, ओके नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन व्हिच इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल ऑन द पाश, इट इज रिप्रेजेंटेड एज नॉर्मल, नॉर्मल इज ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर, दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, ओके, वट यू आर सेइंग एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके बेटे, बोथ ऑफ दीज शुड बी इक्वल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा वन एंगल आई हैव लेफ्ट, इफ आई आस्क सम स्टूडेंट, बेटे
कि ये अगर मिरर ना होता, ग्रीन कलर का मिरर ना होता, तो ये येलो कलर वाली इंसिडेंट राइट रे, रिफ्लेक्टेड रे ना बनती, फिर वो इधर को चले जाती, इधर को चले जाती अगर मिरर ना होता। क्यों चले जाती? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, लाइट ऑलवेज इन ट्रेवल्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर ये मिरर ना होता तो ये येलो लाइट इंसिडेंट रे ऐसे निकल गई होती, पर इस मिरर की मदद से वो रिफ्लेक्टेड रे बन के इधर चलेगी। कोई बच्चा बताएगा इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? रेड वाले एंगल को, रेड वाले एंगल को क्या बोलेंगे बेटे? नहीं बता पाए। देखो लाइट इधर को जा रही थी, मिरर ने बीच में अटक लगा के उसको उधर को भेज दिया, मतलब इधर को जा रही रेडिएशन, रे ऑफ लाइट को इधर को मोड़ दिया। मोड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं डेविएट। वहां से इस एंगल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। नोट कर लो, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर बेटे हैं? और क्या क्या चीज इसमें हमें पता होनी चाहिए? दिस वन, फर्स्ट लॉ दिस, सेकंड लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ ग्लास ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। नोट डाउन, ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ ग्लास? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ ग्लास? देखो बच्चे, हाउ टू डू इट, ओके, हाउ टू डू इट, इसके लिए मैं अपनी थोड़ी सी स्पेस चाहिए मेरे को, तो बेटे मैं इसको इरेज कर देता हूं इस साइड को। शाबाश, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द टीचर इज डूइंग। योर अटेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई आस्क एनी स्टूडेंट हाउ मच दिस एंगल इज, ही विल से सर एज इट इज ए स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट लाइन टोटल एंगल इज 180 डिग्री। सो विच एंगल्स आर कमिंग? दिस वन, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, ऑल दी थ्री आर मेकिंग 180 डिग्री। सो आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो आई एंड आर आर इक्वल, देयर फोर आई प्लस डेल्टा 180 डिग्री। सो डेल्टा कैन बी 180 डिग्री। ये दोनों आई राइट साइड पर चले जाएंगे, माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ आई। गॉट इट? क्योंकि जब उधर जाते हैं तो अलजेब्रिक साइन चेंज होता है। अब इस आई की जगह हम यहां से पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ऑफ ग्लास। सो वन डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस इन द ब्रैकेट। गौर से देखो, टीचर ने बताया था इन दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है, इसका और इसका। सो यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इसको उधर ले जाओ, तो एंगल ऑफ ग्लास कितना हुआ? 90 माइनस जी। तो टीचर यहां आई की वैल्यू पुट करेगा 90 माइनस एंगल ऑफ ग्लास, ओपन दी ब्रैकेट, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ ग्लास, 180 से 180 कट, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ऑफ ग्लास। ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी एक फार्मूला। इस तरह से ये रिफ्लेक्शन का प्रॉपर रे डायग्राम बना। समझ आया बेटे? सारे एंगल समझ आए आपको? हैव यू अंडरस्टूड ऑल द एंगल्स? यस और नो? Yeah.
इफ यू हैव अंडरस्टूड रेज द राइट हैंड, शाबाश शाबाश। अगर आप में से इनमें से एक भी एंगल आपका कमजोर था और आपको ये पूरी डायग्राम नहीं आती थी, तो इसका मतलब आपको आधी नॉलेज थी। पूरी नॉलेज के लिए ये तीन बॉक्स से स्टार वाले आपको याद होने चाहिए। गॉट इट? शाबाश। क्या हम अब आगे बढ़ सकते हैं बेटे? ओके, नाउ वी विल प्रोसीड ऑन द रे डायग्राम्स ऑफ कर्व्ड मिरर्स। राइट डाउन द हेडिंग। शाबाश। राइट डाउन द हेडिंग्स। रे डायग्राम ऑन कर्व्ड मिरर्स। रे डायग्राम ऑन कर्व्ड मिरर्स। राइट डाउन द हेडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट इफ द मिरर इज ऑफ दिस टाइप एंड पॉलिश इज ऑन दिस साइड, रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर पूरा नाम है इसका। बट इफ यू टेक द मिरर दिस वे एंड पॉलिश इज ऑन दिस साइड, शाइनिंग सर्फेस इज ऑलवेज अपोजिट साइड ऑन द पॉलिश साइड, लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस ऑन द शाइनिंग सर्फेस दिस वे लाइट, राइट? दिस इज रे, दिस इज रे। इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ड्रा द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। शाबाश, हरी अप। टू टाइप्स ऑफ कर्व्ड मिरर्स आर देयर, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। नाउ बच्चे, इन ऑर्डर टू नो द रे डायग्राम ऑफ दीज, ऑल माई स्टूडेंट शुड नो सर्टन रूल्स। कौन से हैं बच्चे वो रूल्स? उन रूल्स को हम देखते हैं। नंबर वन, रूल्स को हम यहां पर सम अप कर लेते हैं, फिर अगले पेज पर जाकर हम उन रूल्स को अप्लाई करेंगे और रे डायग्राम ड्रा करेंगे धीरे धीरे। फर्स्ट, शाबाश, लिखो एवरीबॉडी। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रूल राइट डाउन। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डबल हो गया थोड़ा सा, इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कॉमा इट विल पास थ्रू, शाबाश, इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, अब बच्चा कह रहा है सर मेरे को तो यही नहीं पता कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकस क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखोगे, इसी का रिवर्स कर दो बेटे। इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू फोकस
पॉइंट कॉमा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट डाउन। शाबाश बच्चे। टीचर क्या कह रहा है? टीचर कह रहा है जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो बाद में फोकस में से गुजर जाएगी। और दूसरी बात क्या कह रहा है? जो इंसिडेंट रे फोकस में से गुजरेगी वो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब हम इस दोनों चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं कि इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है। गॉट इट? शाबाश। इसका मतलब समझने के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा और अपने बच्चों को कुछ टर्म्स बताने पड़ेंगे, सर्टन टर्म्स। ध्यान से सुनना। अब यहां से टिपिकल है, कोई भी बच्चा अटेंशन डेविएट नहीं करेगा। ओके? पेन, अगर आपका पेन भी नीचे गिर जाए तो आपने उठाना नहीं। योर अटेंशन। मेरे पास बेटे एक कांच का गोला है। इट इज दी होलो ग्लास सफियर, ठीक है, ग्लास सफियर, और वो भी अंदर से खोखला। इसके अंदर कांच नहीं है और इसका यहां सेंटर है बेटे, और ये इसका रेडियस है। आर इज इट्स रेडियस। अब ध्यान से सुनना होगा क्या बेटे? योर अटेंशन, योर अटेंशन बेटे। मैंने इसमें से इतना पार्ट काट दिया, इसको मैं काट लिया, और काटने के बाद यहां रख दिया। इतना पोर्शन कट करके यहां रख दिया। गॉट इट? अब बच्चे इसके इस साइड पर मैंने पॉलिश कर दिया, सिल्वर पॉलिश। सिल्वर के बिना और कौन कौन सा हो सकता है? एल्यूमिनियम भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, क्रोमियम भी हो सकता है। आजकल क्रोमियम करते हैं, पहले सिल्वर। सिल्वर ऐसे पॉलिश करके दूसरी साइड इसकी शाइनिंग बन गई बच्चे। इस कर्व्ड मिरर का जो बिल्कुल सेंटर होता है, ये बिल्कुल सेंटर, ये आधा इधर आधा इधर, इसको पी से लिखते हैं। पी का मतलब होता है पोल। प्लेन मिरर में इसको पोल नहीं बोलते, प्लेन मिरर में बोलते थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कर्व्ड मिरर में इसको पोल बोलते हैं। ये मिड पे होना चाहिए बेटे, मिड पे। गॉट इट? और यहां से लेकर यहां तक की स्ट्रेट लाइन को, इस गैप को ए से लिखते हैं। ए का क्या मतलब होता है? एनीबॉडी? अपर्चर, अपर्चर। ओके, नेक्स्ट। इस पोल के ऊपर एक ऐसी लाइन लगाओ जैसे मैं लगा रहा हूं व्हाइट कलर की। आई रिपीट, इस पोल के ऊपर ऐसी लाइन लगाएंगे हम जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या, कौन सी शर्त है बेटे? इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस तब कह सकते हैं, योर अटेंशन, अगर मैंने पोल के ऊपर यहां कोई टेंजेंट ड्रा करा। टेंजेंट क्या होता है बेटे? आपको पता है ना, सर्कल में टच करती हुई लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। अगर इस टेंजेंट से
इस व्हाइट लाइट ने 90 डिग्री का एंगल बनाया, तभी इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते। ओके, अब ध्यान से सुना, जैसे ही मैं इसके ऊपर ऐसे पैरलर बीम लाइट फेंकूंगा, मैंने यहां से टॉर्च ऑन करा, लाइट गई 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 गई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वो एक पॉइंट पे आ जाएगी इकट्ठी होकर। ऐसे गई टकराई इधर आ गई, नीचे से गई टकराई इधर आ गई, तो एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है। इस एफ पॉइंट को बोलते हैं, फोकस भी बोल देते हैं या फोकल पॉइंट भी बोल देते हैं। ये कौन सा था? बच्चा कह रहा है सर मेरे को ये समझ नहीं आया। तो मैं उसको बोलूंगा, बेटे ध्यान से देखो कि मिरर के ऊपर पैरलर बीम ऑफ लाइट फेंकी और वो टकराने के बाद फोकस के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पी से लेकर एफ तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। एफ इज कॉल्ड, एफ को क्या बोलेंगे बेटे? फोकल लेंथ। यहां पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, कैपिटल एफ को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, स्मॉल एफ एक गैप है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। दोनों में गलती नहीं करनी। अब हमने जो पिछले पेज पर जो भी चीज समझी थी उसका मतलब समझते हैं, ध्यान से सुना। वहां पर टीचर ने क्या लिखाया था? टीचर बोल रहा था, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर जाती हुई मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराएगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से गुजरेगी। गॉट इट? समझ आ गया? फर्स्ट लाइन क्या लिखा था? इफ इंसिडेंट रे इज पैरलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरलर कैसे? देखो, येलो कलर वाली लाइन और व्हाइट कलर वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं और व्हाइट वाली को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट पासिस थ्रू द फोकस। ऑल क्लियर? यस और नो? इफ इट इज क्लियर रेज योर राइट हैंड। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब दूसरी रे देखते हैं, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं और मैं लिख रहा हूं इफ इसी, ये यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और यहीं से हम दूसरी लाइट निकालते हैं और इसको फोकस में से पहले ही निकाल देते हैं। इफ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द फोकस एंड स्ट्राइक्स द मिरर, फोकस में से गुजर के मिरर से स्ट्राइक करे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बेटे, इसको बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होने देना रे ऑफ लाइट को। क्यों नहीं होने देना? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन किल हो जाएगी, वरना ये टकराया यहां पर। जब ये रे ऑफ लाइट यहां पर टकराएगा तो यहां पर टकराने के बाद वो वापिस आएगा एज ए रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। देखो टीचर ने क्या बोला था, इफ इंसिडेंट रे गोज थ्रू दी फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रेड लाइन और व्हाइट लाइन आपस में पैरेलल हैं, देखो सभी जगह पर गैप बराबर है, जब गैप बराबर हो तो वो पैरेलल होती हैं। गॉट इट? यस और नो? दोनों बातें बताओ, यस और नो? करेक्ट? रेज योर राइट हैंड इफ यू अंडरस्टूड। अब जो अपने कॉपियों पे लाइनें लिखी थी ना, उसको एक बार पढ़ के देखो। शाबाश, रीड दोज लाइंस। ओके, अब एक चीज और सीखते हैं। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा दूसरे बैच में, सर ऐसा होता क्यों है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट जाती है वो टकरा के फोकस में से क्यों गुजरेगी, इसका कारण बताओ। है कोई क्लास में जो बच्चा इसका कारण बता सके? क्यों गुजरती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट फोकस में से? लो इसका कारण भी समझते हैं। योर अटेंशन।
श्योर योर अटेंशन बेटे, मैंने बड़े सारे साइज का मिरर बना दिया, गॉट इट? और मैंने इसके सेंटर में से एक लाइन भी निकाल दी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस सर्व कर रही है। प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर इसका, अब ध्यान से सुनो, होगा क्या, मैंने एक रे ऑफ लाइट ऐसे ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये गई पैरेलल। अब ध्यान से समझना, ये लाइट फोकस में से क्यों गुजरेगी, क्यों गुजरेगी, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जिस जगह पर इसने मिरर को स्ट्राइक करा, वहां पर मैं एक ऐसी लाइन ड्रा करता हूं जो इस मिरर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देखो 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री ऑलमोस्ट। सो 90 डिग्री का एंगल बनाया, इसको बोलते हैं नॉर्मल। और आप सभी को पता है, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाया होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। गॉट इट? नॉर्मल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाया होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जब इस येलो लाइट ने टकराने के बाद वापिस आना है, ये इधर आई टकरा के बेटे, तो यहां पर बना हुआ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। इन दोनों को बराबर होना जरूरी है क्योंकि ये लॉज है प्रिंसिपल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट यहां से गुजर जाएगी, जब ये येलो लाइट यहां से गुजरी तो इसी पॉइंट को नोट करा गया, तो ये फोकस पॉइंट निकला। गॉट इट? समझ आ गया आपको? यस और नो? रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाई इट पासिस थ्रू फोकस। बेटे एक तरफ हाथ खड़ा होना चाहिए, जिसका दोनों में से एक भी हाथ नहीं खड़ा वो बाहर, या लेफ्ट खड़ा होना चाहिए या राइट, शर्माना बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का राइट हैंड खड़ा है, इट मीन्स दे हैव अंडरस्टूड कि ये लाइट जाती है ऐसे। इसी तरह से एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है यहां से फोकस में से, ये गई फोकस में से, फोकस में से, फोकस में से, फोकस, ये टकराई, तो बच्चा कहता है सर ये वाली चीज मैं यहां भी लगा सकता हूं। बिल्कुल, यहां पर नॉर्मल लगाओ आप, ये नॉर्मल हो गया। कैसे पता लगा ये नॉर्मल है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां पर भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, टीचर उसको दिखा रहा है ग्रीन कलर से, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये वाला, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा ये वाला, दोनों बराबर होंगे। और ये रेड लाइट जब टकरा के वापस आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। ओके ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समझ आ गया ना? यहां पर भी वही चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मेरे बच्चों को पता लग गया कि कैसे रे ऑफ लाइट निकलती है। और अगर यहां पर योर अटेंशन, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता, निडल, निडल रखी होती, निडल, तो इस निडल से चलने वाली रे ऑफ लाइट यहां पर ट्रक स्ट्राइक करी, और ये निडल की टॉप से चल रही है रेज ऑफ लाइट ट्रोप, तो यहां पर जब टकरा के यहां पर वापस आएंगी तो यहां पर निडल का टॉप ही बनेगा, नीचे को मूव करता हुआ ये बन जाता है इमेज। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं इमेज। आपको जानते हो रे डायग्राम क्यों मुश्किल लगती है? क्योंकि आपको ये रूल रूल लगाते ही नहीं। आप ऐसे टीचर सोच लेता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस में से जाएगी, और अगर पहले ही फोकस में से है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बोलो ये रे डायग्राम समझ आया या नहीं? रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक दो बातें और बच्चे, सिर्फ दो बातें रहेगी, उसके बाद हम बाइंड अप करेंगे, बाकी की बातें कल करेंगे। कौन सी बात? पहली बात, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का
पॉल से होता है। इसको पूरे वर्ल्ड में यू से लिखते हैं बेटे, यू से। दिस गैप इज रिटन एज यू। ऑब्जेक्ट गैप फ्रॉम द पोल इज रिटन एज यू। बना लो सारे बच्चे। इमेज गैप इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, पोल तक। और फोकस वाले पॉइंट को लिखते हैं एफ। और एक बात और याद रखना, जितना पी से एफ की दूरी है, पी से एफ की दूरी, उतनी ही एफ से एक और पॉइंट लेना होता है, बिल्कुल बराबर की दूरी। पी से एफ, एफ से सी तक, एफ से सी तक। और इस सी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके बेटे। और एफ से लेकर सी तक को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। बेटे बस बस 2 मिनट और। ये कैपिटल आर वही है जो शुरू में टीचर ने कांच के गोले का रेडियस दिखाया था, दिखाया था कि नहीं, कांच का होलोस्फीयर लेके उसका रेडियस, इसको आर बोलते हैं। और इस आर का नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमेशा याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में। और लास्ट पॉइंट आज का, लास्ट पॉइंट, ये जो यू होता है, ये जो वी होता है, ये जो एफ होता है, ये तीनों एक खास फार्मूले से आपस में रिलेटेड होते हैं। उस फार्मूले को बोलते हैं ये वाला, यहां पर प्लस का निशान आएगा। कोई बच्चा बता सकता है इस फार्मूले का नाम? बिल्कुल मिरर फार्मूला। ठीक है बेटे। और एक बात और सुनना, जितनी भी रे डायग्राम्स बनी होती हैं उनको एक ही पेज पर बनाकर मैं आपको भेजूंगा भी, मैं आपको अलग से भेजूंगा एक ही पेज पर बनाकर, ताकि आप उसको पढ़ सको। ठीक है, सभी बच्चों को पेज डिस्ट्रीब्यूट होएगा। पर फिलहाल आप ये बताओ, हमने एक रे डायग्राम बनाई, सिर्फ एक, क्या इसके ऊपर आपको सारा समझ आ गया? रेज योर राइट हैंड, शाबाश। तो फिर आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। अगर सारा लेक्चर आज का समझ आया, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स। बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू टू लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू टू स्टूडेंट्स, और थैंक यू टू दोज टीचर्स जो इस वक्त क्लास में डिसिप्लिन बनाए हुए हैं। उनके बिना हम ये लेक्चर बढ़िया से डिलीवर कर ही नहीं सकते। क्लैपिंग फॉर ऑल यू स्टूडेंट, बिकॉज यू हैव अटेंडेड द लेक्चर ब्रिलियंटली। ग्रेट ग्रेट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धीरज वशिष्ठ आपको अगली बार पढ़ाएंगे और भी गहराई से। बाय बाय। बाय आप में से बहुत सारे बच्चे टॉपर्स बन सकते हैं, पर आप पढ़ते नहीं हो, अपना फोकस रखा रहे। एक ना मेरे साथ एक स्टूडेंट था 10th में, ही यूज्ड टू सेल इन डाउन, वो कुछ नहीं करता था, हम उनका ना स्ट्रगल की कैटेगरी करते। नाउ ही इज सीए,
हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड जिन बच्चों को आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम मनोज गोयल, आई विल बी स्टूडेंट्स टेकिंग योर मैथमेटिक्स क्लास। राइट राइट बच्चों, सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज पॉलीनोमियल। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीनोमियल्स? क्या मतलब होता है बच्चों पॉलीनोमियल्स का? हाँ जी, कौन बताएगा? चलो मैं पूछ लेता हूँ फिर आपसे नाम लेके। राइट मैं पूछ लूँ बेटा? हाँ जी आशीष, 10th A। हाँ जी प्लीज प्लीज, नो साइड टॉक, फ्रंट बेंचर्स, फ्रंट बेंचर बच्चे, सीरियसली। हाँ जी, वेयर इज आशीष? हाँ जी बेटा बताइए जरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीनोमियल? क्या मतलब है बच्चे पॉलीनोमियल, क्या होते हैं? वाओ, इंटीजर्स होते हैं। अलजेब्रिक इंटीजर्स? हाँ यस बेटा, देख के नहीं बोलना, नोटबुक में बंद कर दो इसको। हाँ जी बेटा बताइए, आप बताइए, खड़े हो जाइए पहले आप। हाँ नाउ टेल मी, राइट 10th B से कौन बताएगा बेटा? प्लीज कोई एक बच्चा आ जाए। हाँ जी बच्चे, polynomials are the algebraic expression and their power is a whole number. Their power is a whole number. What do you mean by algebraic expressions? जिनकी power fraction में होती है। जिनकी power fraction में होती है। Fraction में होती है, वो algebraic expressions होते हैं। Please sit down. It's absolutely incorrect. हाँ जी, और कौन बताएगा बच्चे? algebraic expression पॉलिनोमियल होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? यस, सिक्स क्लास में आप लोगों ने किया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हाँ जी बताइए बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस। या पार्शली करेक्ट, प्लीज सिट डाउन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय द फोर बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथ। मैथमेटिक्स के चार बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं बच्चों? यस, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द combination of variables and constants which are separated by four basic operations of mathematics, that is addition, subtraction, multiplication and division. Now if I say algebraic expression, for example, is this an algebraic expression or not? Where A and B are variables, is it an algebraic expression or not? Student, yes or no? Yes. How many of you say yes? How many of you say yes? Beta, please raise your hand. जिनको लगता है कि yes, it is an algebraic expression. सोच रहे हैं कोई साथ वाला खड़ा करेगा तो हैंड मैं भी रेज कर लूं। अच्छा उधर उधर देखा, किसी ने नहीं खड़ा किए, अभी मन बना रहे हैं जी। राइट अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज इट ए पॉलिनोमियल और नॉट?
यस सो अगर ये पॉलिनोमियल है बच्चे, सो देन इट हैज टू बी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट, यस और नो? बच्चे पॉलिनोमियल की हमने क्या डेफिनेशन बोली है? पॉलिनोमियल्स आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सो इफ इट इज ए पॉलिनोमियल देन इट हैज टू हैव बी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ना, सो व्हाट इज द कंफ्यूजन नाउ, राइट? सो दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज वेल एज पॉलिनोमियल, राइट? इज इट क्लियर और नॉट जी? नाउ वील कम व्हाट आर राइट, सो व्हाट आर आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर टुडे, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं बच्चों? सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स विद नेम, ठीक है जी? डिग्री क्या होती है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, देन फाइंडिंग और राइटिंग द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है जीरोज का, दैट विल अंडरस्टूड, राइट? रिलेशनशिप बिटवीन कॉफिशियंट्स एंड जीरो, ऑल बेसिक थिंग्स अबाउट द पॉलिनोमियल विल बी लर्निंग टूडे. आफ्टर द क्लास यू विल बी एबल टू आंसर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोज, एंड यू कैन बी एबल टू फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. और क्या कर सकते हैं आप ग्राफ की रीडिंग कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे नजर आता है और उससे क्या आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ से, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दीज थिंग्स विल बी लर्निंग इन टूडेज क्लास. नाउ व्हाट इज दिस? यस बच्चों क्या है ये? दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? फर्स्ट वन इज मोनोमियल. मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? सो यहाँ पे वन क्या स्टैंड करता है जी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री क्या होती है बच्चे? हाईएस्ट पावर ऑफ द, बट यहाँ पे मोनोमियल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज डिग्री? अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री वन है, सो व्हाट दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, राइट? सो मोनो मीन्स वन, सो मोनोमियल मीन्स द नंबर ऑफ टर्म्स. इफ इन ए पॉलिनोमियल देयर इज वन टर्म, दैट इज नोन एज मोनोमियल, राइट बच्चों? नाउ व्हाट इज बाइनोमियल? इक्वेशन में टू टर्म्स इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स, राइट? देखिए यहाँ पे जैसे दो टर्म्स है बच्चे, सो दिस इज ए बाइनोमियल. बाय मीन्स टू, देन कम्स अ ट्राइनोमियल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइनोमियल? थ्री टर्म्स. नाउ बच्चे थोड़ा सा ना यहाँ करेक्शन रिक्वायर्ड है. अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं? व्हाट इज पॉलिनोमियल? व्हाट इज पॉलिनोमियल? देखिए बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल मतलब फोर टर्म्स, बट पॉलिनोमियल्स आर ऑल दिस, दिस ऑल आर पॉलिनोमियल, राइट? यस और नो? दिस ऑल आर पॉलिनोमियल मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, राइट बच्चों? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, दिस ऑल आर पॉलिनोमियल, राइट? एनीथिंग नॉट क्लियर? सो पॉलिनोमियल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तीन से ज्यादा टर्म वाला, वेदर इट इज वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, फाइव टर्म, सेवन टर्म, वट एवर इट इज, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल्स, राइट? नेक्स्ट. यस नाउ वील अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट, ठीक है? ग्राफ करने से पहले ना हम एक चीज और अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों. यहाँ पे बच्चे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने सेग्रीगेट किया है पॉलिनोमियल्स को. नाउ आई वाज एक्सप्लेनिंग यू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री क्या होती है बच्चे? राइट, सपोज यू हैव ए पॉलिनोमियल, व्हाट इज इट्स डिग्री?
व्हाट इज इट्स डिग्री? जस्ट जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स, देयर इज सम टेक्निकल इश्यू. हाँ जी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ठीक है, सम टेक्निकल इश्यूज वर देयर. सो आई वाज एक्सप्लेनिंग यू स्टूडेंट्स अबाउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, राइट? सो वी हैव डिस्कस दैट द पॉलिनोमियल विथ हाईएस्ट पावर वन इज, व्हाट इज इट्स डिग्री? वन, राइट? नाउ इफ द हाइएस्ट पावर इज, अच्छा व्हाट इज द डिग्री ऑफ से दिस पॉलिनोमियल, व्हाट इज इट्स डिग्री? जीरो. वेरी गुड. नाउ इफ आई टेक, नाउ व्हाट इज इट्स डिग्री? टू. नाउ इफ आई राइट 2xy+5, व्हाट इज इट्स डिग्री? How many of you says one? Two.
मिनट बच्चे आराम से, टू वाले प्लीज रेज योर हैंड। बच्चे को जिनको लगता है टू प्लीज रेज देयर हैंड्स। ओके बेटा, जो सबसे लास्ट में बच्चा बैठा है ना सेक्शन बी में, आ जाए आगे, जरा एक्सप्लेन करे व्हाई इट इज टू। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, सोच रहा है आए ना आए, आ जा बेटा, तू ही, तेरे को ही बुला रहा हूँ मैं, आ जाओ आप आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, करो एक्सप्लेन। यस बच्चे बताइए, टू कैसे है बेटा ये? सिट डाउन प्लीज। हाँ जी स्टूडेंट, आप जो ये फ्रंट बेंच पे बैठे हैं बी सेक्शन, यस गर्ल स्टूडेंट, आप ही बता दीजिए। हाँ जी बच्चे, वेरी एक्स की पावर भी बात है और वाई की पावर भी बात है, गुड वेरी गुड। बच्चे जब भी देखिए, अगर एक्सप्लिसिट डाउन, अगर यहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल है, सो डिग्री विल बी पावर्स एडिड ऑफ बोथ। सपोज अगर यहाँ पे एक्स की पावर टू होती तो व्हाट वुड हैव बीन द डिग्री? इज इट क्लियर? नाउ व्हेन द डिग्री इज थ्री, व्हाट इज द पॉलिनोमियल कॉल्ड? और टू व्हेन पावर इज टू, क्वाड्रेटिक। एंड व्हेन पावर इज फोर, व्हेन पावर इज फोर बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। राइट, दैट इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक। राइट बच्चों, इफ आई आस्क ए क्वेश्चन, राइट अ पॉलिनोमियल और राइट ए ट्राइनोमियल विद डिग्री 8, प्लीज राइट, राइट ए पॉलिनोमियल विद, राइट ए ट्राइनोमियल, राइट ए ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। विद डिग्री 8, यस, व्हाट विल बी योर आंसर? हाँ जी प्लीज, सेक्शन ए से कौन बताएगा जी? रेज योर हैंड स्टूडेंट्स। तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें क्या मुश्किल है? देखो मीनिंग क्या है बेटा, ट्राइनोमियल का मीनिंग, डिग्री 8 का मतलब क्या है? सिंपल सा है, कोई भी थ्री टर्म्स लिखो। सपोज मैंने लिखा एक्स रेस टू पावर 8 प्लस 4x प्लस लेट्स से 7, इज इट ए ट्राइनोमियल विद डिग्री 8 और नॉट? इफ आई आस्क यू राइट ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 8, देन यू नीड नॉट टू राइट थ्री टर्म्स, देयर कैन बी टू टर्म्स, देयर कैन बी फोर टर्म्स, देयर कैन बी फाइव टर्म्स। राइट स्टूडेंट्स, Yes. सो डिग्री एंड ऑर्डर इज क्लियर और नॉट? Yes. राइट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इफ ए पॉलिनोमियल हैज द पावर, मीन्स वेरिएबल हैज द पावर नॉट ए होल नंबर, देन इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। राइट, फॉर एग्जाम्पल इज इट ए पॉलिनोमियल और नॉट? इज इट ए पॉलिनोमियल और नॉट? तो वाई? कम वन स्टूडेंट प्लीज, एनीवन, कोई एक बच्चा आके बताए जरा। रोल नंबर 7 सेक्शन बी, आ जाओ, कौन है बेटा? हाँ जी, हु इज सेक्शन, रोल नंबर 7 इन सेक्शन बी? है नहीं कोई भाई? 9 आ जाओ। अच्छा सेक्शन बी में आ जाओ, अगर ए में नहीं आ रहा है तो आ जाओ बेटा। हाँ जी बच्चे, वाई इट इज ए पॉलिनोमियल? एक्स की पावर -1 है। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। राइट, सिमिलरली इफ आई राइट, इज इट ए पॉलिनोमियल? व्हाई? बिकॉज द पावर इज 1/2। सबको पता है ना बेटा स्क्वायर रूट जो होता है उसका मतलब है पावर 1/2। राइट, चलिए
Now see this graph now. Now this graph is a straight line. Yes or no? This graph is a straight line. Now these are the points which lie on this graph. Right? These are the points. Let's say first minus 1 comma minus 7. Where is this point? Right? What is the second point? 0 comma minus 5. Next is 2 comma minus 1. And next is 3 comma 1. This is 2 comma minus 1. This point, not this. This point is 1 comma minus 3. This one. Right? So these are the points given in those. In this graph. Now, what do you understand by this graph? This is a straight line graph. And this is the graph of this line. Yes or no? Yes. Now, what is the nature of this polynomial? What type of polynomial is this? Is it not a linear polynomial? Yes. Right? See, polynomial generally we write px equal to, is it clear? Yes. When you draw the graph of this polynomial, then in place of px you take graph. Beta aap kaise plot karte ho? Aapko ye equation given hai, for example this. Hum graph kaise plot karte hain bache? Ek table banate hain ye wali. Yes or no? Yes. तो हम टू या थ्री पॉइंट्स निकालते हैं और उसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो वी गेट द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन. यस और नो? हम इसमें क्या करते हैं बच्चे, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वाई की वैल्यू आ जाती है. सो वी प्लॉट द ग्राफ. नाउ दिस पॉलिनोमियल जो पी एक्स होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई. सो इन this equation, this part is your polynomial, right or not? There are two types of variable. One is dependent variable, another is independent variable, right? Is it clear? Yes or no, bacho? Yes. So now in this equation, which is dependent and which is independent? Who is dependent? Haan ji? 2 is dependent. Who told this? हाँ जी बच्चे, किसने बोला 2 dependent है? First of all, my question is 2 a variable? It is a constant, बच्चो. See, देखिए, this in this equation, x is an independent variable, right? And y is dependent variable. Why? What is the meaning of independent and dependent? When you say independent variable, x की आप वैल्यू डालो तो y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना बच्चे. x की वैल्यू जो है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन y, बट y की जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन x. यस और नो? बेटा आपके पास इक्वेशन है, आपने x की कुछ भी वैल्यू डाल दी, लेट्स से मैंने 1 डाली है, राइट? सो व्हाट इज योर आंसर? y माइनस 3 आ गया बेटा. तो नाउ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हो? इंडिपेंडेंट होता है इनपुट और डिपेंडेंट क्या होता है? आउटपुट. समझ में आ रहा है बेटा? आउटपुट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? इनपुट पे. आपने पेपर अच्छा किया है, आपने हार्डवर्क किया तो आपका पेपर अच्छा हुआ है. अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो पेपर अच्छा होगा? नो. समझ में आ रहा है बेटा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? यस और नो? यस. चलिए हम वापस आ जाते हैं ग्राफ पे. नाउ दिस ग्राफ, अब इसका मीनिंग समझते हैं. दिस ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? 2.5 कॉमा 0. यस और नो? यस. नाउ दिस पॉइंट,
जहां पे वाई की वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है, दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ वाई इज जीरो इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल दैट वैल्यू ऑफ एक्स, दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमी। बेटा ये डेफिनेशन नोट कर लेना सारे लोग, ठीक है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जीरो क्या होता है। जीरो एक्स की वैल्यू होती है एंड दैट वैल्यू जहां पे वाई जीरो हो जाता है, उस वैल्यू को जब आप इक्वेशन में पुट करते हो, पॉलिनोमियल में पुट करते हो, तो आपका वाई जीरो आना चाहिए। दैट पॉइंट इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो बताइए बच्चे इसमें, यस और नो? व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर और नॉट? बच्चे अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। राइट जी, आगे चलते हैं। नाउ सी द अदर ग्राफ। नाउ व्हाट इज दिस ग्राफ शोज? ये बेटा कौन सी शेप है? हाँ जी, देखिए पैराबोला। ये कौन सी शेप है? पैराबोला क्या होता है बेटा? पैराबोला क्या होता है जी, पता है आपको कि नहीं पता? पैराबोला बच्चे ये एक शेप होती है। दिस इज ए शेप पैराबोला, राइट। पैराबोला जो होते हैं दो टाइप की शेप होती है, दिस शेप और एक दिस शेप, राइट। इसको हम जनरली बोलते हैं वैली ग्राफ। और ये कौन सा होता है? हिल ग्राफ। हिल क्या होता है? ये हिल की शेप में है और ये वैली की शेप में है, राइट। यस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सी, हमारी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चे? दिस, यस और नो? तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट दिस ग्राफ रिप्रेजेंट? पॉलिनोमियल नाउ दिस ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स? दिस ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? वेरी गुड, दिस इक्वेशन हैज टू जीरो, राइट। राइट, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट द मोस्ट टू जीरोज, एट मोस्ट टू जीरोस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, एट मोस्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, एट मोस्ट टू जीरो? मींस ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है? कि दो से ज्यादा नहीं हो सकते बट दो से कम हो सकते हैं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? कैन यस ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव लेस देन टू जीरोस? यस कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? नो? यस स्टूडेंट्स, बच्चे एक्स स्क्वायर हाउ मैनी जीरोस? हाउ मैनी जीरोस? देर इज ओनली वन जीरो? नहीं समझ आ रहा है। हाँ देखिए अगर मैं ले रहा हूं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इज इट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नो? इज इट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नो बच्चों? यस। सो हाउ मेनी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? देर इज ओनली वन जीरो। व्हाट इज दैट जीरो? व्हाट इज दैट जीरो?
बच्चे आवाज नहीं आ रही है, अगर नहीं समझ आ रहा तो बताइए। इसका बच्चे एक ही जीरो है, देखिए जीरो, आपको जीरो फाइंड आउट करने आते हैं पॉलिनोमियल्स के? आपने नाइन्थ क्लास में किए हैं बच्चों, क्या करते हैं हम पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पॉलिनोमियल है 2x+3, इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं हम, पी एक्स को जीरो कर देते हैं बच्चों, दैट इज। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू x2, व्हाट यू विल डू, x की वैल्यू क्या आई है बच्चों, एक ही जीरो आ रही है, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल विद 1 0, राइट? कैन एनी पॉलिनोमियल बी देयर जिसका कोई भी जीरो ना हो, यस और नो? हो सकता है या नहीं हो सकता है बेटा? चलो मैं आपको ना एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं। सी दिस ग्राफ, इज दिस ग्राफ विजिबल टू यू? Yes. अब देखिए बच्चों, हम पहले ये वाला पार्ट पे ग्राफ्स देखते हैं। इन ग्राफ्स को ना बहुत ध्यान से समझना बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगेंगे बड़े सिंपल से ग्राफ हैं, बट इसका जो मीनिंग है यू नीड टू अंडरस्टैंड। सी फर्स्ट ग्राफ, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चे, ए इज ग्रेटर देन 0, यस। सी हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है बच्चे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को हम ax² + bx + c लेते हैं जी। नाउ व्हाट इज दिस ए, अगर आपके पास ए इज ग्रेटर देन 0, मींस इसका मतलब क्या हुआ ए ग्रेटर देन 0 का, या ए लेस देन 0। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इक्वेशन ले रहा हूं दिस, ठीक है जी, x² + 2x + 3, तो यहां पे क्या हो गया बेटा, ए जो है कॉफिशियंट ऑफ x² इज 1, विच इज ग्रेटर देन 0। नाउ इफ आई टेक इक्वेशन एज लेट से -x² + 2x + 3, सो यहां पे ए क्या है बच्चे, लेस देन 0, ए इज -1 विच इज लेस देन 0। तो ये कौन, पहली चीज क्लियर होगी बच्चों कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। नाउ व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, सो ग्राफ विल बी दिस शेप, राइट? इज इट क्लियर? मींस वो अपवर्ड ओपनिंग होगा, ऊपर से ओपन है, समझ में आ रहा है? नाउ अब जब अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है, मींस व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, सो दैट ग्राफ इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट, हाउ मेनी पॉइंट इट इज कटिंग एट द एक्स एक्सिस, तो हाउ मेनी जीरो दिस हैज, 2। नाउ सेकेंड वाला आ जाइए जी, नाउ हाउ मेनी पॉइंट दिस ग्राफ कट्स एट द एक्स एक्सिस, 1। तो हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 1। लास्ट ग्राफ, एट हाउ मेनी पॉइंट दिस कट्स एट द एक्स एक्सिस, नो जीरो। सो देर इज नो जीरो। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 0s। समझ में आ रहा है बच्चों? राइट, अब दूसरे ग्राफ पे आ जाइए। इट इज ए लेस देन 0, व्हेन ए इज लेस देन 0 ग्राफ विल बी डाउनवर्ड ओपनिंग, राइट? दैट विल बी ए हिल ग्राफ, ये हिल की शेप होएगी, और ये वाली शेप कौन सी है, वैली की शेप है, राइट? बाकी चीजें तीनों में सेम है, 2 0s, 1 0 एंड नो जीरो। यहां तो कोई डाउट बच्चों, क्लियर है यहां सारा? यस अच्छा, आपको पता है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में क्या रिलेशन होता है? सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है -कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ए
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट क्या होता है जी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपको एस और पी गिवन है, हाउ यू कैन मेक द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या हो गया बच्चे, सम, और पी क्या हो गया, प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? सर हाँ जी, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी कोई भी जीरो नहीं होती उसकी एग्जांपल बताना। मैं बता देता हूं बेटा। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं किया अभी तक? एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका कोई जीरो नहीं है जी, राइट? ओके सर। ठीक है, हैव यू डन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों? नो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का जीरो क्यों नहीं है ये भी मैं बता देता हूं बेटा। आप अगर इसका जीरो निकालते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, राइट? व्हाट विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, कैन नॉट येट। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बी नेगेटिव, कैन स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बी नेगेटिव? नो अच्छा, दूसरे दूसरे मेथड से आपको एक्सप्लेन करता हूं। नाउ दिस इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट बच्चों? इज इट क्लियर? नाउ यस फॉर दिस पॉलिनोमियल टू हैव जीरो, क्या कंडीशन होनी चाहिए बच्चे? ये सारा जीरो होना चाहिए। ये यस जीरो कब होगा, अगर ये माइनस वन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन होना चाहिए, बट यस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी। समझ यस में आ गया बच्चों? एनी यस डाउट्स नाउ? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। नाउ व्हाट डज दिस ग्राफ शोज? दिस ग्राफ शोज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट, हैविंग जीरोस, राइट? हाउ मेनी जीरोस आर देयर? थ्री जीरोस, बिकॉज दिस इज कटिंग एट एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट, एट मोस्ट थ्री जीरोस, राइट? कैन कैन क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव लेस देन थ्री जीरोस? क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव टू जीरोस? नो बच्चे, जनरली नहीं होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं, ठीक है, उसके या तो वन जीरो होते हैं या थ्री जीरोस होते हैं, राइट? हम वन जीरो वाला एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जरा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन जीरो, राइट बच्चों? वो क्यों होते हैं, क्यों नहीं होते, दैट यू विल लर्न इन प्लस वन, राइट? इज दिस क्लियर? यस दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन जीरो, दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? यस नाउ दिस इज द इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। बच्चे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, दैट वी आल्सो यूज इन बायोलॉजी एक्सपेरिमेंटल डाटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, एंड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूसेज इज इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ किए थे, वहां यस पे आपने ग्राफ्स यूज किए थे, तो कौन सी शेप थी ग्राफ की, कौन सी शेप थी? पैराबोला पैराबोला कब यूज किया आपने? पैराबोला यूज किया है बच्चों, यस और नो बेटा? अगर किया है तो कौन सा केस किया, देखिए
वहां पे आपने जो जनरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया है, तो कौन कौन से ग्राफ्स करते थे 9th क्लास में आप? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड तीसरा होता था नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप एक ग्राफ बनाते थे बच्चा, वो कौन सा ग्राफ था जी? ये वाला ग्राफ बनाते थे आप? ये कौन सा ग्राफ हुआ? पॉलिनोमियल ग्राफ। आप एक इक्वेशन यूज करते थे बच्चों, ये इक्वेशन यूज किया आपने? ये फिजिक्स में इक्वेशन यूज किया आपने, इक्वेशन ऑफ मोशन? ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों? इज इट नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, पहले तो ये बताओ। कैसे पता चला बेटा? राइट, सो दिस इज अ इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट, ये देखिए, ये व्हाट दिस शोज, यहां पे क्या शो कर रहे हैं बच्चे? एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एक प्लेयर जो फुटबॉल को किक करता है, राइट राइट, फुटबॉल कैसे ट्रेवल करती है इन शेप ऑफ पैराबोला और नॉट, यस और नो? सो दिस इज द एप्लीकेशन इन रियल लाइफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। इज इट क्लियर? राइट, नेक्स्ट, देयर इज अ केस स्टडी। डू यू हैव द असाइनमेंट्स? प्लीज ओपन योर असाइनमेंट स्टूडेंट्स। नाउ नाउ कैन यू सी दिस? कैन यू सी दीज थ्री ग्राफ्स, दीज टू ग्राफ्स एंड व्हाट इज दिस? हाँ जी, दिस इज ए क्लाउड। नाउ इफ यू कैन सी द शेप ऑफ दिस क्लाउड, व्हाट ग्राफ दिस इज? पैराबोला। पैराबोला एंड व्हाट ग्राफ दिस इज? दिस इज ऑल्सो ए ग्राफ शेप। नाउ दिस केस स्टडी इज देयर, टीचर हैज ऑब्जर्व ए क्लाउड इन द शेप ऑफ पॉलिनोमियल। सो द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्लाउड इज, ये वाले क्लाउड की बच्चे, ये दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज, देखो मैच कर रही है दोनों शेप्स, दोनों। नाउ वील हैव द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू ग्राफ्स, राइट? केस स्टडी है आपके पास बच्चों, तो क्वेश्चन देखिए। नाउ वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। ग्राफ पे आ जाइए वापस। कौन कौन से पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं बच्चे? -3.5, 0 एंड 0.5, 0। -3.5 इज -7/2। इज इट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? एंड सेकेंड इज -0.5, सो दैट इज 1/2। सो व्हाट विल बी द राइट चॉइस? व्हाट विल बी द राइट चॉइस? ऑप्शन बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ? सी, वी हैव दीज टू जीरोज, वी हैव दीज टू जीरोज, यू नो हाउ टू मेक द इक्वेशन फ्रॉम द जीरोज? हाउ टू मेक द इक्वेशन फ्रॉम द जीरो? कैन यू टेक द सम ऑफ द जीरोज? व्हाट विल बी द सम? व्हाट इज द सम बच्चों? कैलकुलेट करके बताइए जरा।
सिक्स बाय टू यानी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? माइनस सेवन बाय फोर. तो व्हाट विल बी द पॉलिनोमियल? एस एक्स मीन्स माइनस थ्री प्लस पी इज. सो इसको आपने सॉल्व किया, नाउ व्हाट विल बी द राइट आंसर? टेल मी स्टूडेंट्स, कौन सा है बच्चे राइट आंसर? सी ऑप्शन. सी ऑप्शन. सी ऑप्शन. इज इट क्लियर? स्टूडेंट आई थिंक योर क्लास टाइम इज ओवर, सो वील कंटिन्यू आर स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. राइट, एनीथिंग नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क द क्वेश्चन. एवरीथिंग इज क्लियर? Yes. Thank you very much.